हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं सभी लोग हेलो सलाम नमस्ते आदाब सत कैसे हैं सभी लोग सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा दुआ सलाम सभी को मेरा जय हिंद है अगर मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय हिंद लिख दीजिएगा फटाफट ना बच्चा लोग आज हम क्या करने वाले हैं सर आपको तो पता ही आज हम क्या करने वाले हैं क्या करने वाले हैं भाई आज बेसिकली हम डायनामिक बैलेंसिंग सीखने वाले हैं और सर उसके साथ साथ करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जी हाँ जो हमारे एग्जामिनेशन में आए जो हमारे कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं जिनसे हमारे इन सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं जी हाँ आज हम उसके लिए आए हैं आज का मेन पर्पज जो है आपको थमनिल देखकर समझ में आ गया होगा आज का मेन पर्पज है क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है तो आज हम इन सब पर्पज को पूरा करेंगे और आज आपको हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को एक बार बस आप लोगों को कहना चाहूंगा सेशन को शेयर करते रहना सेशन को लाइक करते रहना मेरे भाइयों हमारे साथ जुड़े रहो लगातार बने रहो और मेरे प्यारे भाइयों अगर मैं बात करना चाहूं आज अपना पेन पेपर हाथ में रखना अपना कैलकुलेटर साथ में रखना क्योंकि हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा चलो तो स्टार्ट किया जाए सो गई आर यू रेडी स्टार्ट किया जाए चलो भाई सभी लोग जय हिंद कह रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज मैं अपने बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा सो हेलो एवरी वन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट इन गेट एंड ई एस सी एम टेक फ्राम आई आई टी फोर टाइम्स गेट टॉप रैंकर एंड नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टेकन बाई मी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर मैं बात करना चाहूँ सब्जेक्ट जो मैं लेता हूँ वो आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा सोम टोम एम डी एंड मैकेनिक्स इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करना चाहूँ मैं आपका वाइब्रेशन लेने वाला हूँ और इस महीने हम लोग वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे बैलेंसिंग के जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशन की कैम एंड फॉलोवर सबसे लास्ट में करेंगे सो डोंट टेक एनी टेंशन वाइब्रेशन जो होगा हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है तो मैं आप लोगों को एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूं आज है थर्टीन हम वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे अप्रॉक्स ट्वेंटी से तो स्टार्ट हो ही जाएगा ठीक है ना तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सीमेट डेट दिया है मैंने आप लोगों को एक ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की सो माय डियर फ्रेंड आजकल आप जानते हो मुझे आलोक लाइव के नाम से आलोक लाइव क्या है आप लोगों को बताना चाहूंगा आलोक लाइव क्या है चलिए आइए देखते हैं मिलते हैं आलोक लाइव क्या है सर आलोक लाइव क्या है बेटा अगर आप प्लस या आइकॉनिक पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहां जुड़ सकते हो मेरे इस कोड के साथ आलोक लाइव आपको कुछ नहीं लिखना होगा बस एक कोड वहां लगाना होगा दैट इज एल ओ के एल आई बी ई ये कोड कभी भूल ना भूलने वाला कोड रखना याद हमेशा ध्यान रखना टेन परसेंट यहाँ ऑफ तो मिलेगा लेकिन इसके साथ साथ आलोक सर का जो साथ मिलेगा वो हमेशा जीवन भर याद रहेगा ठीक है ना आलोक लाइव एक विश्वास है इस चीज को ध्यान रखना यह विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है डाउट सॉल्विंग सेशन बेटा वीकली टेस्ट लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस एंड इंग्लिश हिंदी बैचेस ये सारी चीजें और जब कोर्स खत्म हो जाता है तो हम लोग देते हैं क्रैश कोर्स ये सारी चीज़ें बेटा रिविजन के रूप में आइकॉनिक के लिए बेटा प्लस और उसके साथ साथ पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल देखिए ध्यान से और प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलती है इसके साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट की एनालिसिस कराई जाती है पर्सनल कोच के थ्रू पर्सनल कोच आपका स्टडी प्लानिंग करते हैं तो वो सब मैं आपका कर दूंगा उसके लिए टेंशन मत लो वो मेरे पास है ठीक ना वो मैं आपका बना के बकायदे भेज देता हूँ बकायदे एक जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बकायदे एक पी भेजता हूँ मैं आपको ठीक है ना उसके अंदर सारा मैनुअल डाटा मैं भेजता हूँ और उसको समझाता हूँ तो गाइज अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो या अगर आपने मेरे नाम से लिया है ठीक है ना कई सारे बच्चे लेते हैं लेकिन बताते नहीं है तो अगर आपने लिया है तो एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहते हो यस ये रही मतलब की चीज अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहते हो अन लर्निंग ऐप पर हमारे साथ जुड़ जाओ बेटा इंस्टॉल करिए अनडमी लर्निंग ऐप और अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैस एट द रेट आलोक लाइव पे जाकर मुझे यहां फॉलो कीजिए गाइस फॉलो करने से क्या होगा मेरी सारी फ्री क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप मेरे सारे क्लास का एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ जो है आपको एक पासवर्ड लगाना होगा दैट इज आलोक लाइफ ये पासवर्ड लगाकर आप मेरी क्लास का हिस्सा बन जाएंगे नाउ माय डियर फ्रेंड मैं आप लोगों को एक और सलाह देता हूँ एल आई एन के टी आर डॉट डबल ई आलोक झा आप अगर ये अगर गूगल क्रोम में लिख देते हैं अगर आप ये गूगल क्रोम में लिख देते हैं मेरे बच्चे तो आपको अपने आप ही सारा लिंक दिखने लग जाएगा आपको अपने आप सारा चीज दिखने लग जाएगा दिस इज माई लिंक ये लिंक ट्री डॉट लिंक टी आर डॉट डबल ई है लिंक ट्री बोलो स्लैश आलोक इस पे जाइएगा ना कोड बेटा एक ही लगाना है आपको तो पता ही है कोड लगेगा सिर्फ एक नाम चलेगा सिर्फ एक नाम है आलोक लाइव ध्यान रखिएगा कोड एक ही लगाना है बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करनी है कोड यही लगाना है चाहे जो हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी के लिए भी आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा चाहे आप किसी भी क्लास में जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो एक ही पासवर्ड लगेगा दैट इज आ लोक लाइफ आने अकेडमी कॉम्बेट का हिस्सा बनने के लिए आपको यहाँ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा यहाँ भी हमारा कोड लगेगा आ लोक लाइफ कॉम्बेट का हिस्सा बनिए स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपना विजेता बनिए देखिए टैलेंट जो है ना कभी पीछे नहीं हटता है जिसके पास टैलेंट है आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टडी कर सकता है ये अनएकेडमिक कॉम्बेट में आपको मौका मिलता है अनएकेडमिक कॉम्बेट में होता क्या है साठ मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं ठीक ना लाइव टेस्ट होता है बेटा ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड दिखाया जाता है और सबसे बड़ी बात ये आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और ये सारे क्वेश्चन हम ही लोग सेट करते हैं ठीक ना तो गाइज ये सब चीजें आप देख सकते हो अगला टेस्ट होने वाला है सोलह तारीख को ठीक है और कुछ इस प्रकार से इसके इनाम रखे गए हैं रैंक एक से रैंक तीन तक को अनकेडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक चार से रैंक दस को बच्चे को पचहत्तर परसेंट ऑफ मिलेगा उसके फीस में सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अगर रैंक फोर टू रैंक टेन है आपका रैंक एलेवन टू रैंक फिफ्टी है तो पचास परसेंट ऑफ मिलेगा आपको ध्यान रखिएगा और रैंक इक्यावन से रैंक सौ है तो पच्चीस परसेंट ऑफ मिलेगा ठीक है ना तो बेटा यहां भी अनकेडमिक कॉम्बेट का हिस्सा कैसे बनना है अपने आप अंधाधुन मत पहुंच जाना ठीक ना एक नए फोन नंबर से जाना है उसके अंदर आलोक ला... एक नए फोन नंबर से अपना अकाउंट बनाइए उसके अंदर आलोक लाइफ कोड लगाइए पासवर्ड लगाइए लगाइएडमी का कॉम्बेट बन... हिस्सा बनिए कॉम्बेट का हिस्सा बनिए और कॉम्बेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए तो ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं क्लियर चलिए तो बच्चा लोग इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ये है ये सब चीजें ध्यान से देखिए अगर किसी बच्चे को अगर कोई बच्चा यहाँ कोई रैंक लेकर आता है तो एक बार आप वो मुझे इन्फॉर्म करे कि सर मेरा ये रैंक है उसके बाद की बात मैं करूंगा टेंशन मत ठीक है ना तो सुनिएगा ध्यान से यहाँ क्या है बेटा आलोक लाइव कोड लगाइए और आलोक लाइव कोड लगाकर भी आप हमारे साथ यहाँ आ, आ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी हमारा क्या है बेटा आलोक लाइव के नाम से एंड दिस इज द लिंक लिंक ट्री स्लैश आलोक झा यहां आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिलेगा ठीक है ना टेंशन मत लो और फ्राइडे को आपके लिए लेकर आ रहे हैं बच्चा लोग हम एक बजे से आपके लिए लेकर आ रहे हैं टॉप हंड्रेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन फ्राइडे बैक टू बैक फ्राइडे यानी कि कल और सबसे बड़ी बात एक चीज और बताना चाहूंगा कल सुबह साढ़े नौ बजे क्लास नहीं होगी रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं रीजन है उसका ठीक है ना रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि कल इसका तीन सेशन होने वाला है ठीक है ना कल इसके तीन सेशन मैंने रखे हैं कितने बजे से या दिन में एक बजे से मतलब हर एक एक घंटे का फिर आधे घंटे एक बजे से दो बजे तक एक घंटे का क्लास होगा फिर आधे घंटे का ब्रेक देंगे फिर ढाई बजे से ढाई से साढ़े तीन फिर आधे घंटे का ब्रेक फिर चार बजे से तीन सेशन मैंने रखा है बैक टू बैक इसलिए मैंने सुबह की क्लास नहीं रखी आराम से सुकून से कल आइएगा ठीक ना अपन रेसिप्रोकेटिंग मास की बैलेंसिंग कल नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं हम यही हैं आप भी यही हैं ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायनामिक बैलेंसिंग को आप सभी लोग आ गए ठीक है देखो एक चीज बताता हूं देखो एक सिक्का है कोई भी एक सिक्का मैं आपको दिखाता हूं कोई भी एक सिक्का सिंपल सा सिंपल सा चलो ये एक रुपए का एक सिक्का है ध्यान से देखना एक रुपए का एक सिक्का है ठीक है इसके ना दो पहलू हैं एक ये और एक ये ठीक है ना एक ये हिस्सा है एक ये हिस्सा है ठीक ना अब मैटर ये करता है देखने वाले का नजरिया कैसा है हमेशा याद रखना देखने वाले का नजरिया कैसा है आप इसको किस नजरिए से देखते हो ठीक है ना ये एक रुपए का सिक्का कई सारे बिजनेसमैन को एक करोड़ दस करोड़ एक हजार करोड़ भी कमा सकता है बट एक रुपए का सिक्का एक भिखारी को भी हम दे सकते हैं देखने का ना जरिया कैसा है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ठीक है ना तो जो बच्चा कमेंट कर रहा है ना ये कमेंट जो कर रहा है ना ये क्या नाम है सख्त क्या है पता नहीं उसको ही मेरा ये जवाब था चलिए डायनामिक बैलेंसिंग की बात करता हूं बेटा डायनामिक बैलेंसिंग की बात करता हूं डायनेमिक बैलेंसिंग है क्या इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा डायनेमिक के अंदर हमने आपको कल बताया कि रोटरी मास की जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो डायमिक के अंदर क्या करते हैं हम समेशन ऑफ फोर्स जीरो करते हैं और समेशन ऑफ कपल जीरो करते हैं ठीक है ना ये दोनों चीजें हम क्या करते हैं बैलेंसिंग के अंदर हम बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं ध्यान रखिएगा डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर पूरी चीजें हम बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं डायनेमिक के अंदर कल मैंने आपको बताया देखिए दो टाइप की बैलेंसिंग होती है रोटरी मास्क एक होती है स्टैटिक बैलेंसिंग होती है डायनेमिक बैलेंसिंग अब स्टैटिक बैलेंसिंग क्या है बेटा स्टैटिक बैलेंसिंग की अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो स्टैटिक बैलेंसिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फोर्स बैलेंस करते हैं क्यों क्योंकि यहां स्टैटिक बैलेंसिंग में सिंगल मास होता है एक मास होता है बैलेंस करने के लिए डायनामिक बैलेंसिंग कितने बैलेंस होंगे बेटा डायनामिक है तो कितने मास होंगे डबल मास होंगे ठीक है डी फॉर डबल तो दो मास हमारे सिस्टम को क्या करेगा बेटा दो मास हमारे सिस्टम क्या करेगा बेटा बैलेंस करेगा टू मास आप ऐसे लिख सकते हो दो बैलेंस मास ना हम कितने मास यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए सिस्टम को दो बैलेंस मास यूज करेंगे चलिए तो बेटा इसके साथ साथ और क्या क्या जानते हो डायनेमिक बैलेंसिंग में सर डायनेमिक बैलेंसिंग में एक कपल लगेगा जिसके लिए एक लेंथ दिखाई देगा अच्छा अच्छा और क्या जानते हो सर डायनेमिक बैलेंसिंग का मतलब होता है सर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स ठीक है ना और जो बच्चा जो बच्चा आज आते ही एक कमेंट किया था एक बच्चे ने कि सर डिफरेंट प्लेन वाला न्यूमेरिकल कैसे होगा तो बेटा आज कराऊंगा टेंशन मतलब ठीक है ना डायनेमिक बैलेंसिंग का मतलब क्या है बेटा डिफरेंट प्लेन इस चीज को ध्यान रखेगा चलिए तो डायनेमिक बैलेंसिंग की अगर हम बात करना चाहो बेटा देखो तो कल स्टैटिक बैलेंसिंग करा दिया स्टैटिक बैलेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या बैलेंस करते हैं फोर्स बैलेंस करते हैं ठीक है ना चलिए मैं एक एक करके आपको बताऊंगा यहां जैसे मैंने चलिए आज डायनेमिक बैलेंसिंग बात करनी चाहिए

बेटा यहां से लेकर यहां तक जो लिखा है ना इसका मतलब अगर आप समझ गए ना तो आप डायनेमिक बैलेंसिंग के क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप क्लियर कर लोगे देखो होता क्या है मैं आपको फिगर पे लेकर जाता हूं जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यहां दो टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं आपका मास बीच में है और दोनों साइड बैलेंस मास है दो बैलेंस मास चाहिए ना जी सर क्यों सर डिफरेंट प्लेन में डिफरेंट प्लेन में लिख दिया बस काफी है डायनामिक बैलेंसिंग होगा तो कितने मास चाहिए सर दो मास चाहिए बैलेंस करने के लिए सिस्टम को सिस्टम में हमारा एक ही मास है बट इसको बैलेंस करने के लिए दो मास चाहिए ठीक है ना या तो ये दोनों मास अगल बगल होंगे या तो ये दोनों मास एक साथ होंगे बोलो हाँ या ना जी सर या तो ये दोनों मास अगल बगल होंगे या तो दोनों मास एक साथ होंगे जी सर ना तो क्वेश्चन में आप क्या यहां यहाँ जो ये लाइन बोल रही क्या बोल रहा है कह रहा है भैया नेट डायनेमिक फोर्स हमारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो दिस रिक्वायर्ड दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री सेंट्रिकल फोर्स मस्ट बी सेम तीनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा एक जैसा होगा ठीक है ना चलिए देखते हैं एक दो और तीन यहां तीन मास हैं तीन मास से तीन फोर्स निकलता है आपको पता होना चाहिए ठीक है ना यहां से तीन मास तीन फोर्स तीन मास निकलता है बेटा आगे ना बात करूं बेटा ध्यान से देखना

बात हो रही है लाइन ऑफ एक्शन की ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, थ्री सेंट्रिकल देख रहे हो ना तीन सेंट्रिकल कैसे आया तीन सेंट्रिकल कैसे आया बेटा एक इसका एक इसका एक इसका मस्ट बी इन सेम प्लेन इन अदर वर्ड्स उसका कहने का दूसरा मतलब है द सेंटर ऑफ द मास ऑफ सिस्टम मस्ट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका कहने का मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहां से इसका यहां से और इसका यहां से ये तीनों एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे होंगे अगर ये तीनों एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे बेटा यही साफ्ट है ना और ये साफ क्या करता है सर रोटेट करता है ये तीनों एक ही एक्सिस से पास हो रहे होंगे इसीलिए इन दोनों का लाइन इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा सेम होगा जी सर इस पॉइंट में यही बोल रहा है दिस इज कंडीशन ऑफ फॉर स्टेटिक बैलेंसिंग जाहिर सी बात है यार डायनामिक बैलेंसिंग में अगर मैं बात करूं बेटा डायनामिक बैलेंसिंग में अगर सिस्टम कहे अगर एक आदमी अगर भागता हुआ है और कहे कि भाई डायनामिक बैलेंसिंग में मैं जा रहा हूं फोर्स बैलेंस करने तो मैं दूसरे भाषा में क्या सोचूंगा यार डायनेमिक बैलेंसिंग में फोर्स बैलेंस कर रहा है इसका मतलब है कि पहला स्टेप जो है दिस इज फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग हाँ ना तो डायनामिक बैलेंसिंग करते समय पहले स्टैटिक बैलेंसिंग करते हैं ठीक ना उसके बाद हम मोमेंट को बैलेंस कर देते हैं दैट इज डायनामिक बैलेंसिंग ठीक है ना अभी आते हैं तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं बेटा स्टैटिक बैलेंसिंग करना सिस्टम के अंदर स्टैटिक बैलेंसिंग कर दिया फोर्स बैलेंस कर दिया अभी सारा चीज मैं न्यूमेरिकल के ऊपर डाल के दिखाऊंगा टेंशन लो सेकंड पॉइंट द नेट कपल देखो यहां फोर्स को जीरो कपल की द नेट कपल ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो

इसका मतलब समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो इट ये तो इक्विलिब्रियम का लाइन बोला अगला पढ़ो द कंडीशन वन दिस एंड कंडीशन टू दिस टुगेदर गिव डायनामिक बैलेंसिंग ये लाइन स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहिए इसको देखो ये लाइन थोड़ा पढ़ो ऊपर का और नीचे का ये दोनों कंडीशन वन कंडीशन टू ये दोनों हमें क्या देता है दिस विल गिव द डायनामिक बैलेंसिंग अच्छा जी सर बिल्कुल आइए अब मैं इसी के ऊपर आगे लेकर चलता हूं कि सिस्टम में ये दोनों होना चाहिए तो सिस्टम बैलेंस होगा तो एक टाइप की तो ऐसी बैलेंसिंग होती है तो मास इधर उधर होंगे या तो दोनों बैलेंस मास एक साइड होंगे जी सर ये भी डिफरेंट प्लेन का ही होगा तो दोनों मास एक साइड होंगे जी सर आइए लेकर चलता हूं आपको इसके बारे में तो कल मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को इसके बारे में तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये चीज मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं दिस इसमें क्या होगा बेटा स्टैटिक बैलेंसिंग इसमें आपको कल फोर्स बैलेंस करके मैंने आपको दिखाया है इसके बारे में कल मैंने आप लोग को पढ़ाया बेटा ध्यान से क्यों क्योंकि सर ये सेम प्लेन है है स्टैटिक बैलेंसिंग जी सर वहां सिर्फ और सिर्फ यहां सिर्फ और सिर्फ फोर्स बैलेंस होगा मूवमेंट बैलेंस नहीं होता एक प्लेन हाँ अब आया यही बात करनी है आज डिफरेंट प्लेन ये मेन डायनेमिक बैलेंसिंग है ये मेन डायनेमिक बैलेंसिंग है पूछो क्यों क्योंकि सर आपने जो भी जस्ट पीछे देखा ना डायनेमिक बैलेंसिंग का एक केस ये और एक केस ये यहां सिस्टम में कितना मास था सर सिस्टम में एक मास था और उसको बैलेंस करने के लिए दो मास लगाया एक मास था उसको बैलेंस करने के लिए दो मास था बट मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम में कितना भी मास हो अनगिनत मास हो हमें क्या मतलब है मैं चाहता हूं हमारे सिस्टम में कितना भी मास हो ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से वन टू थ्री फोर मैं चाहता हूं हमारे सिस्टम में कितना भी मास हो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या लगाएंगे सर इसको बैलेंस करने के लिए अपन लगाएंगे दो बैलेंस मास और यही तो हमारा मेन फंडा है यही तो हमारा मेन फंडा है बच्चा लोग ध्यान से देखना एक मास दो मास तीन मास चार मास इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या लगाएंगे भाई चार नहीं मैं कह रहा हूं दस लगा दीजिए कोई मतलब नहीं है सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अपन कितने बैलेंस मास लगाएंगे सर दो बैलेंस मास लगाएंगे और वो दो बैलेंस मास कहा है बेटा देखो ध्यान से वो दो बैलेंस मास है बेटा ये रहा वो दो बैलेंस मास कहा है बेटा ये रहा यू कैन सी दिस दिस एंड दिस अच्छा अब यहां देखो यहां बात ये भी तो हो सकती है कि सर ये दोनों बैलेंस मास हमारे सिस्टम के मास के अगल बगल होगा या दोनों एक ही साइड होगा ठीक है ना आइए हम बात करते हैं यही आपको कुछ सिखाना चाहता हूं देखिए हमारे सिस्टम में दो बैलेंस मास होंगे जी सर जैसे हम आपको एकदम बेसिक रूप से सिखाते हैं जैसे बीम आपने अपना बीम देखा होगा कभी सोम में आपने बीम पढ़ा होगा और बीम पढ़ते समय बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा जब आपने बीम पढ़ा तो आपने कितने सपोर्ट लगाए थे सिंपली सपोर्टेड बीम में आपने दो सपोर्ट लगाए थे आपने सिंपली सपोर्टेड बीम में कितने सपोर्ट लगाए थे बेटा आपने दो सपोर्ट लगाए थे ठीक है ना यू कैन सी दिस सर आपने जब दो सपोर्ट लगाए थे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ऊपर से मान लीजिए अगर 10 न्यूटन का फोर्स आया नीचे से R1 है और यहां से क्या है बेटा R2 अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं अगर मैं फोर्स को बैलेंस करना चाहूं तो क्या करोगे तो आप मुझे कहोगे कि R1 वन प्लस आर बराबर दस बोलो हा या ना अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स बैलेंस करो मैं एक बीम की बात कर रहा हूं, बेसिक बीम से आपको इसके ऊपर लेकर चलूंगा टेंशन मत फोर्स को बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे आर वन प्लस R2. R1 प्लस आर टू दोनों साइड से नीचे से ऊपर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा टेन आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो यस और नो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा टेन अब दूसरा चीज आप क्या करते हो बेटा रिएक्शन निकालने के लिए और क्या करते हो और क्या करोगे आप रिएक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बोला फिर से सुनना हम रिएक्शन निकालने के लिए ये कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पहले फोर्स बैलेंस कर रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे हम रिएक्शन निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बेटा अब मूवमेंट बैलेंस करेंगे ठीक है ना मूवमेंट बैलेंस करेंगे तो मूवमेंट बैलेंस कैसे होगा बेटा मूवमेंट कैसे बैलेंस होगा सुनिएगा ध्यान से फोर्स बैलेंस कर दिया जी सर अब मोमेंट कैसे बैलेंस होगा अरे गुरुदेव देखिए ध्यान से मोमेंट बैलेंस करने के लिए अपन इन दोनों रिएक्शन में से किसी एक पॉइंट पे जाकर उसके अबाउट सारा मोमेंट ले लेंगे जैसे या तो मैं ए पॉइंट या तो बी पॉइंट अब क्या करते थे मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट चाहे ए पॉइंट चाहे बी पॉइंट किसी एक के अबाउट जाकर बैलेंस करते थे जी सर हम मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट लेंगे जी सर या तो ए या तो बी चलो यहां मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं तो अपन क्या करते थे आर टू और इसका लेंथ ले लेते ले हैं जैसे एल वन इसका लेंथ ले लेते हैं एल टू बोलो हा या ना जी सर तो ए के अबाउट जब मोमेंट लेते थे तो आर टू बोले तो इस पॉइंट पे जैसे आर टू बोलोगे या आर बी बोल दोगे चाहे जो बोलना हो ठीक है ना आप आर ए आर बी बोल दो ज्यादा अच्छा है आपको समझ में आएगा इससे ये आर ए ये आर ए और ये आर बी तो कैसे लेते थे बैलेंस समझो पहले इस लाइन को समझो मुझे बताओ आरबी इंटू एलवन ये कैसे गया सर ये एंटी क्लॉकवाइज गया टेन इंटू एल टू ये कैसे गया सर क्लॉकवाइज गया तो यहां लग जाएगा माइनस फोलो हाँ ना ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो प्लस ये लग गया तो माइनस माइनस टेन इंटू एल टू इजिकल टू तो क्या होता था जीरो यही करते थे ना यही काम यह हो ना या ना तुम क्या निकालना चाहते हो सर मैं निकालना चाहता हूं आर ए एंड आर बी अच्छा अब आओ इस पे अब आओ इस पे अब इस पे आओ इस पे आओ सर डिफरेंट प्लेन जी सर मतलब डायनेमिक बैलेंसिंग जी सर यहाँ आइए कितने बैलेंस मास सर दो बैलेंस मास अब आप इसको ना एक बार मैं इसको एक बार और समझाता हूं लेकिन इस बार मैं रिएक्शन नहीं बोलूंगा इसको बोलूंगा बैलेंस मास ए बैलेंस मास बी ध्यान से मुझे बैलेंस मास ए एंड बैलेंस मास बी निकालना था तो पहले मैंने फोर्स बैलेंस किया जी सर कर दिया तो उसके फोर्स को बैलेंस मास ए के द्वारा लगाया गया फोर्स बैलेंस मास बी के द्वारा लगाया गया फोर्स को हमने बैलेंस किया जी सर फिर मोमेंट बैलेंस करना था तो हमने एक बैलेंस मास के रेस्पेक्ट में सारे फोर्स को सारे फोर्स का मोमेंट ले लिया बोलो हां या ना जी सर यही तो किया तभी तो फाइंड हुआ चलिए यहां आई सर सुनिएगा ध्यान से हमारे पास दो बैलेंस मास है कितने सुन्या <.issimo> बैलेंस मास है एल और एम हमारे पास दो बैलेंस मार्स यस और नो ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से हमारे पास दो बैलेंस मास है अच्छा अब सिस्टम को बैलेंस करने के लिए दो बैलेंस मास क्यों लिए अब सबके मन में यह विचार आ रहा होगा मैंने कल आपको यह दो चीज का डिफरेंस बताया था सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन ये दो चीजों का डिफरेंस बताया था मैंने सेम प्लेन क्या होता है थिनर प्लेन होता है बहुत पतला होता है तो उसको हम सेम मान लेते हैं अच्छा डिफरेंट प्लेन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एज लाइक अ टर्बाइन एज लाइक अ कैम्पार्ट बड़े बड़े मोटर का जिसका चौड़ाई हमें दिखाई दे इतना ठीक है ना तो जस्ट लाइक से जैसे टर्बाइन देखते हो काफी बड़ा होता है तो उसको हम सेम प्लेन नहीं बोल सकते वो बहुत बड़ा है भाई ठीक है ना तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्योंकि सिस्टम जितना बड़ा होगा उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही ज्यादा बैलेंस मास चाहिए ठीक है ना यू कैन सी दिस तो यहां क्या हो गया बेटा यहां हम दो बैलेंस मास लिए हैं एल और एम अब क्या करेंगे फोर्स बैलेंस करना मैंने आपको कल सिखा दिया फोर्स बैलेंस करना स्टैटिक बैलेंसिंग कल मैंने आपको सिखाया जिसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया बेटा फोर्स को बैलेंस कैसे करते फोर्स को बैलेंस कैसे करते ये चीज मैंने आपको सिखाया ठीक है ना यू कैन सी दिस एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ये सारे हमारे पास चार बैलेंस से. एक, दो, तीन चार चार बैलेंस वहां से यू कैन सी दिस

यहां देखो इन अदर वर्ड द सेंटर ऑफ द मासेस ऑफ द सिस्टम मस्ट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन सारे जितने भी मासेस हैं वन टू थ्री फोर एल एम जितने भी हैं सबका सब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा सबके सब का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा सर ये है जी सर तो बेटा इसको अगर मैं इधर से देखूं तो ये हमें क्या दिखाई देगा एक पॉइंट दिखाई देगा बोलो हाँ या ना अगर मैं इस व्यू से देखूं यहां मैं अपनी आंख रखूं ठीक ना तो यहां से हमें क्या दिखाई देगा बेटा यहाँ से हमें यह दिखाई देगा एक सेंटर बोलो हाँ ना क्लियर है और यहां से जब मैं देखूंगा तो मुझे एक दो तीन चार पांच सॉरी चार एम ए, एल वन सब दिखाई देगा सब दिखाई देगा कैसे दिखाई देगा सब डिफरेंट डिफरेंट डिफरें एंगल पे दिखाई देगा बिल्कुल ये अलग एंगल पे अलग एंगल पे है देखो सबका अपना अपना एंगल एम वन जीरो डिग्री पे है एम टू थीटा वन डिग्री पे है समथिंग एम थ्री थीटा थ्री डिग्री पे है एम फोर थीटा फोर पे है एम एल अपने एंगल पे है एम MM एम अपने एंगल पे सब अपने अपने एंगल पे है जी सर अब तुमको अगर मैं ये एक सिस्टम दे दू मेरे बच्चे ध्यान सुनना अगर तुमको मैं ऐसा एक सिस्टम दे दू तुमको मैं एक ऐसा सिस्टम दे दू और फिर मैं बोलू बेटा फोर्स बैलेंस करो तो कर लोगे बहुत आसानी से कर लेंगे तुमको कल मैंने एक ऐसा सिस्टम दिया और तुम्हें बस बोला फोर्स बैलेंस करने को कर लेंगे सर लेकिन सर मैंने कहा क्या हुआ सर यहां एक ही अनबैलेंस फोर्स था जो कल आपने दिया उसके अंदर एक ही अनबैलेंस फोर्स था जी सर तो सर एक अनबैलेंस फोर्स था और एक ही चीज बैलेंस करना था मतलब एक इक्वेशन एक, एक अनबैलेंस फोर्स और एक इक्वेशन था तब तो आसानी से निकल गया कल कल की क्लास में आसानी से क्यों निकल गया एक अनबैलेंस फोर्स एक बट सर आज प्रॉब्लम क्या आएगी आज हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना हम इसको करेंगे ना, तो, हमें आएगी. अगर मैं लगाता हूं, तो यहां कितने अनबैलेंस है दो अनबैलेंस अननोन है दो अननोन है. है और एक इक्वेशन बहुत नाइंसाफी है इसीलिए अपन लगाना क्या शुरू कर दिया दूसरा इक्वेशन दैट इज मूमेंट बैलेंस देखो दो अननोन थे तो दूसरा एक लगाना हमारे है, कोई भी एक बैलेंस मास के अबाउट जाइए वहां से तो मूवमेंट ले लीजिए चाहे आप एल के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए चाहे आप एम के अबाउट ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं चलिए इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंतर्गत यह कहा गया क्वेश्चन के अंतर्गत यह कहा गया समझिएगा क्वेश्चन को यह क्वेश्चन के अंदर अब यह कहा गया चलिए हम एल के अबाउट मूवमेंट लेते हैं किसके अबाउट बेटा एल के अबाउट तो देखिएगा बड़ा अच्छा लाइन है इसके इस साइड जितने मास होंगे वो नेगेटिव के इस साइड जितने होंगे सब पॉजिटिव के ये हमारा मानना है पूछो क्यों क्योंकि सर इधर वाला जो होगा हो सकता है ये उल्टा घूमे और ये वाला राइट साइड ऐसे क्लॉकवाइज घूमे तो हमने मान लिया इधर वाला सारा पॉजिटिव है दिस इज द क्लॉक खत्म मूवमेंट अच्छा, लिखूं तो मतलब अच्छा, आपके ऊपर है आप चाहो तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव मान लो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ये बात ध्यान रखना ठीक है तो भाई मूवमेंट कैसे लेंगे सर इसका फोर्स किधर की ओर होगा सर सबका फोर्स तो बाहर की ओर ही होगा और क्या होगा सब सेंट्रिफिकल फोर्स बस आप लोग मुझे यह बता दो अगर मैं मोमेंट एल के अबाउट ले रहा हूं तो क्या एल का मोमेंट आएगा नहीं आएगा ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं कहीं भी इक्वेशन में ए दिख रहा है नहीं दिख रहा जिसके अबाउट लेते हैं यार उसके अबाउट तो लेंथ खत्म हो गया ना बेटा तो कहां से आएगा यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस जिसके अबाउट लेते हैं बेटा जिसके अबाउट लेते हैं समझने की कोशिश okay ले रहा हूं ठीक है ना एल के अबाउट ले रहा हूं सारा मूवमेंट समझने की कोशिश करना एल के अबाउट में सारा मूवमेंट ले रहा हूं तो बेटा हम क्या करने वाले सिस्टम का मूवमेंट लेंगे लेकिन एल के अबाउट एल का ही मूवमेंट नहीं आएगा ठीक है इस चीज को ध्यान रखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा यू कैन सी दिस चलिए आगे लेकर चलता हूं अब बैलेंस करते हैं बेटा हम सेवरल मासेस को समझाता हूं मैं आप यहां देखेगा डायनामिक बैलेंस ठीक है ना एक सेकंड रुकना जरा एक एलिमेंट है उस एलिमेंट को जरा हम रिमूव कर दें ठीक है हालांकि मैं किसी को ऐसे करता नहीं चलो चलिए आगे देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मतलब यहां क्या करने वाले बेटा यहां हम करने वाले हैं डायनामिक बैलेंसिंग समझेगा यहां हम क्या करने वाले हैं डायनामिक बैलेंसिंग करने वाले हैं जी सर तो डायनामिक बैलेंसिंग करते समय हमारे सामने क्या आएगा वन टू थ्री फोर एल और एम दो बैलेंस मास आया जी सर हमारे सामने ये एक फिगर आएगा जी सर जिससे हम क्या करेंगे फोर्स बैलेंस करेंगे सर इससे अपन फोर्स बैलेंस करेंगे सर और इससे क्या करेंगे बेटा अपन मूवमेंट बैलेंस करेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा इससे अपन फोर्स बैलेंस करेंगे इससे अपन मूवमेंट बैलेंस करेंगे डन अब देखो ध्यान से अपन यहां क्या करने वाले हैं ये दो लाइन जो लिखा है बेटा यही पॉइंट है ये दो पॉइंट यही लिखा है कि फोर्सेस इन बैलेंस ठीक है ना ये क्या है बेटा ये सिस्टम क्या जीरो तो अच्छा, मतलब हमें मूवमेंट और फोर्स दोनों को बैलेंस कर देना दैट्स इट आओ देखते हैं अपन इसके लिए क्या करते हैं चार्ट बनाते हैं ज्यादा फायदा होता है ठीक है ना इसके लिए अपन क्या करते हैं चार्ट बनाते हैं बेटा समझने की कोशिश करना एक्चुअली उस बच्चे को ना स्टार्टिंग में जो मैंने ये बोला उसको ये बात लग गई देखो जो सत्य बात होती है ना हमेशा याद रखना जीवन पर जो सत्य बात होती है ना वो जीवन में लग ही जाती है ठीक है ना सत्य कड़वा होता है ठीक है ना जब भी मैंने सिक्का उठा के समझाया ना उसको उसको ये बात बुरी लग गई एक्चुअली होता क्या मैंने आपको पहले ही बोला था कि आजकल मेरी वीडियोज खूब देखी जा रही है ठीक आजकल मैं खूब चल रहा हूँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ मजाक नहीं ऐसे ऐसे मतलब तक देखी जा रही है मतलब आप ये सोच लो कि मेरी वीडियो जो आजकल खूब चल रही है एक आसान भाषा में बता रहा हूँ यहाँ स्पैमिंग हो रही है मेरे क्लास में मेरे क्लास में दूसरे दूसरे कोचिंग वाले आके प्रमोशन मारते हैं ठीक है ना ये प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम ये है मेन मुद्दा ये है ठीक है और जब मैंने सिक्के को दिखाकर कहा तो उसको शायद बुरा लग गया ठीक है ना देखो सत्य कड़वा होता है याद रखेगा सत्य करवा होता है उसको ये बात बुरी लग गई ठीक है ना इसीलिए वो देखो अब एक चीज और ध्यान रखना पढ़ना अपनी जगह है बेटा मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया है दुनिया में कितने भी स्पैमर आ जाए आपकी क्लास में एक वर्ड हमेशा याद रखना दैट इज इग्नोर इग्नोर वर्ड जीवन में हमेशा याद रखना सक्सेस की तरफ हमेशा आगे बढ़ते जाओगे जो जितना ज्यादा इग्नोर करता है ना वो उतना आगे सक्सेस की तरफ भागेगा ठीक है ना तो इन सब चीजों के बीच में फंसना ही नहीं है इग्नोर मारते रहो इग्नोर मारते रहो मैंने देखा तो देखा बीच में पढ़ाने से ज्यादा तो उसे कमेंट आ रहा था मैंने कहा चलो ब्लॉक कर देते हैं अब दो चार कमेंट कर ठीक है भाई तो इतना मतलब उसको काम ही दिया गया है कि आज की सैलरी आपकी यह है कि इस क्लास में जाइए और कमेंट करिए तो भाई बंदा करेगा क्या यही करेगा सुबह उठ के ठीक है ना यू कैन सी दिस तो बेटा यहाँ क्या बनाते हैं बेटा चार्ट बनाते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है ना

आपने अगर बैलेंसिंग क्वेश्चन आया 20 नंबर का क्वेश्चन देता हूं नंबर आपको देगा 10 से नंबर सिर्फ एक चार्ट का होता अगर बीस है।, 50 60 यही देता है इसके बाद क्योंकि करना कुछ नहीं है इसके बाद तो सीधे चार इक्वेशन के लगा देना कहानी का ठीक है ना अभी आपको बताता हूँ सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा प्लेन लेते हैं प्लेन में जैसे हमारे सामने क्या क्या है बेटा वन टू थ्री फोर एल एम ना तो आप ऐसे लिख लो वन एल टू थ्री एम फोर वन एल टू थ्री एम फोर ना जी सर अच्छा आप क्या आपको दिख रहा होगा एल के आगे आरपी लिखा है आरपी क्या है सर आरपी इसलिए लिखा है क्योंकि एल को हमने माना बोलो रेफरेंस हाँ प्लेन ना जी सर ये रेफरेंस प्लेन क्या होता है गुरु जी बेटा देखो यहां जैसे मैंने आपको समझाया कि मूवमेंट हम इसके अबाउट लेंगे ए पॉइंट के अबाउट लेंगे तो क्या होगा ए पॉइंट के मूवमेंट लिया ना? ना? तो इसके हमने लेते ये रेफरेंस माना है ना यू कैन सी दिस रिफरेंस प्लेन फिर आ गया टू देन थ्री फिर एम देन फोर ओके मास लिखा मैंने देखना सब चीज लिखूंगा ये मास लिखा यहां लिखा एम वन फिर ये एम एल ये एम टू एम थ्री एम 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 फोर क्लियर ठीक है फिर मैंने यहां रेडियस लिखा आर वन आर एल आर टू आर थ्री आर एम आर फोर इतने किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तीनों में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मैं टिक लगाता हुआ चल रहा हूं कोई को दिक्कत हो तो बताओ किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ नहीं सर बहुत आसान है इसको लिखने में क्या दिक्कत है हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब देखना ध्यान से हमें फोर्स बैलेंस करना है जी सर अब मैं यहां क्या कर रहा हूं ना मैं मैंने एक ही इक्वेशन लिखा है ऐसे दो इक्वेशन लिखे जाते हैं पूछो क्यों क्योंकि सर देखो इसके दो इक्वेशन होते हैं एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई एक्सिस में ठीक ना यहां एक्स यहां एक ही लाइन में लिख के मैं आपको बेसिकली चीजें बता रहा हूं बेसिक चीजें पढ़ा दूंगा ना तो उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत सारा है टेंशन मत लो पुल करेंगे अपन टेंशन मत लो आज ठीक ना तो यहां हम दो इक्वेशन बनेगा एक x एक्सिस का एक y एक्सिस का मतलब एक cos थीटा एक sin थीटा दो इक्वेशन बनेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर कर दिया पूछो क्यों क्योंकि सर ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है ना क्या करोगे लिख के कल किसी इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर मैंने रहने दिया था नहीं सर हमने तो लिखा था समेशन एमआर आया ना ओमेगा स्क्वायर का घटा ही दिया था जी सर m1 r1 ml rl m2 r2 m3 r3 mm rm m4 r4 आया ना क्लियर चलो अब डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन l यू कैन सी दिस अब डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन l अबाउट देखते बेटर रेफरेंस प्लेन किसको माना सर l को सबका ये चीज क्लियर है ना अभी ये चीज एक बार और क्लियर करूंगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका सबसे पहले इसी का करा देंगे कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो कोई दिक्कत <tame> नहीं बेटा चलो आगे प्लेन एल को माना है तो इसका लेंथ क्या होगा अरे बाबा जीरो होगा ये तो तो प्लेन है है इसका डिस्टेंस होता अरे भाई हम मूवमेंट लेना चाहते हैं हम मूवमेंट लेना चाहते हैं तो इसके अबाउट इसका डिस्टेंस क्या होगा कुछ नहीं होगा इसके अबाउट यहां होगा इसके अबाउट इसका डिस्टेंस एल का डिस्टेंस कुछ नहीं होगा

बताइए इतना क्लियर है बताइए इतना क्लियर है माइनस एलेवन जीरो एल टू एल थ्री एलेवन एल फोर डन अब कुछ नहीं करना है यार कपल लिखना है मूवमेंट बैलेंस करना है यहां देखो यहां फोर्स बैलेंस किए यहां आ गया कपल की बात फिर से ओमेगा स्क्वायर लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता मैं कह रहा हूं ओमेगा जीरो होगा डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर खत्म तो लिख देना है से। जी सर अच्छा इसके भी दो इक्वेशन बनेंगे पूछो कैसे सर जब फोर्स के दो इक्वेशन बनेंगे तो मूवमेंट के भी दो इक्वेशन बनेंगे एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस माइनस एम वन आर वन एल वन देखो कुछ नहीं करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना वहां लिख देना एम वन आर वन माइनस एल वन मल्टीप्लाई एम आर आर जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा जीरो this एम एम आर एम एल एम एम फोर आर फोर एल फोर खत्म कहानी हो गया कहानी बात जाएंगे बच्चा ठीक है ना एक्स और वाई दो कंडीशन में चार इक्वेशन निकल के आते हैं हमारे सामने समझिएगा ध्यान से तो इस चीज को अब मैं जान रहा हूं न्यूमेरिकल मुताने और इस चार इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ता है बस हो गया यही है डायनेमिक बैलेंसिंग यार और क्या चाहिए एक बार देख लो जी सबका सब मैंने रिफरेंस प्लेन से लिया अगर आपका कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए मैं आपको न्यूमेरिकल अभी कराने जा रहा हूं मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं तो कृपया करके एक बार आप लोग ये चीज देख लीजिए और बताइए आपको क्या कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो ठीक ना किसी बच्चे कोई डाउट हो Is there any doubt? No doubt. चलिए ओम प्रकाश कह रहे हैं सर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो डिवाइड बाई देखिए ऐसा लिख रहे हैं यहां देखिएगा बेटा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ओमेगा क्या है ना एक ही ये ये एक साफ़ है सबका ओमेगा एक जैसा है ठीक है सबका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखेगा इसका सेंट्रीफ्यूगल m1 r1 ओमेगा स्क्वायर m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस m3 r3 ओमेगा स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू फाइनली हमें जीरो ही करना है बेटा क्योंकि हमें समेशन f 0 करना है 0 के बराबर करना है बैलेंस करना है सिस्टम तो बेटा ये बताइए जब जीरो बराबर है ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ऐसे ही काट दो पूछो क्यों ओमेगा स्क्वायर कॉमन करके जीरो को सेट भेज दे कोई मतलब ही नहीं है उसका समझे बात इसीलिए ओमेगा स्क्वायर से सब जगह डिवाइड कर दे कोई मतलब ही नहीं ठीक है चलो क्वेश्चन करें देखो बेटा ये क्वेश्चन है स्टैटिक बैलेंसिंग का ये क्वेश्चन मैंने स्टैटिक बैलेंसिंग का लाया था इसको अभी हम थोड़ी देर के अंदर करेंगे या आप कर भी लोगे बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है ना आ, पहले अपन करेंगे ये वाला क्वेश्चन शायद इस क्वेश्चन में करना है डायनेमिक बैलेंसिंग क्या शायद एक बार चेक करिए ना ये भी शायद स्टैटिक बैलेंसिंग नहीं है। एक बार देखिए इसको

मिल गया करेंगे पहले अपन इसी को ठीक है एक क्वेश्चन सबकी धज्जिया उड़ा देगा। टेंशन मत लो पीछे आने वाले तीनों क्वेश्चन को अकेला सॉल्व कर देगा ए एंड एंड डी डी डिस्टेंस बिटवीन मास ए मास ए और अच्छा A और डी मास क्या है बैलेंस मास होगा गारंटी दो मास बैलेंस कर रहा है सिस्टम डिस्टेंस पूछ रहा मतलब रेडियल डिस्टेंस एंगुलर पोजिशन ओ हो यहाँ तो बवाल कटा हुआ है भाई इतना चीजें पूछ लिया डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड डी चलो ठीक है चले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी लोग चलिए जी चलो क्वेश्चन की बात करते हैं करेक्ट साफ है जो कैरी कर रहा है चार मास ठीक है भाई ऑन ए पैरेलल प्लेन ए बी सी डी द ऑर्डर एलोंग इट्स लेबीसीडी जो है एलोंग इट्स के, के अंदर अंदर बनाया गया है यहां एक रफ डाय बना लेते हैं या कहो तो प्रैक्टिकल तो डायग्राम बना ही लेते हैं ठीक है एक साफ ले लिया हमने ये ठीक है कैरी कर रहा है चार पैरल प्लेन मास इन पैरल प्लेन एबीसीडी इन इट्स ऑर्डर इट्स ले ना लेंथ के अकॉर्डिंग है तो कहीं कहीं ए होगा कहीं भी बी होगा कहीं भी सी होगा कहीं भी डी होगा थोड़ा सा बड़ा कभी चलो भाई द मास एट बी एंड सी आर अठारह के जी एंड बारह साढ़े बारह के जी क्या अभी रुक जाओ मास वास लिखना बाद में पहले बनाना है एट ईच ऑफ द देंट्रिक डिस्टेंस साठ एम छोड़ दो मास ए of 80 mm छोड़ दो द एंगल बिटवीन द मास बी एंड सी 100 डिग्री हटाओ हमें नहीं चाहिए बोथ आर सेम डायरेक्शन अच्छा यहां देखो ए एंड बी आर are 100 mm। ये हमें चाहिए हमें इससे मतलब है हंड्रेड एम एंड बिटवीन बी एंड सी इज 200 हंड्रेड mm. अच्छा बी और सी के बीच में 200 सौ mm का गैप इनके बीच का जो गैप है बेटा यह है 200 सो एमएम ओके ठीक है भाई तो यू कैन सी दिस अब देखो हमें टोटल का पता नहीं है अब मैं कह रहा हूं बेटा अगर डी की बात करूं तो हमें टोटल का तो पता नहीं है टोटल की लंबाई मैं तो ये पता नहीं है तो हमने मान लिया टोटल की लंबाई एक्स mm. हमने टोटल की लंबाई क्या मान ली बेटा हमने टोटल की लंबाई क्या मान ली सर टोटल की लंबाई मान ली एक्स ठीक है ये हंड्रेड ये टू हंड्रेड ये टोटल एक्स ओके okay, डन ये चार माह एक ही प्लेन में ठीक है भैया इतना पढ़ लिया बहुत अच्छी बात आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा एंगल वेंगल का लाइन पढ़ लिया जाए यार ये लाइन पढ़ लिया ये लाइन पढ़ लिया अब बारी है इस लाइन को पढ़ लिया ये वाला अब इस लाइन को पढ़ते हैं ये जो एंगल वेंगल की बात कर रहा और इसी को पढ़ के खत्म करते हैं देखो कभी भी पैनिक नहीं होना कभी भी नहीं एकदम बेसिक एकदम चीज है ठीक है अगले पेज पे आए यहां जगह तो है नहीं चलिए द एंगल बिटवीन द मासेस बी एंड सी इज हंड्रेड डिग्री एंड द मासेस बी एंड ए वन नाइनटी डिग्री बोथ बींग मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में तो भाई एंगल बिटवीन बी एंड सी इज हंड्रेड डिग्री ओके मैं यहां एंगल बना लेता हूं एक्स ये बी है और क्या बोल रहे भाई सी हंड्रेड डिग्री ये नब्बे है ये यहां कहीं आएगा सौ बी एंड सी इनके बीच का एंगल कितना है भाई सौ डिग्री ठीक है आगे क्या बोल रहा है भाई एंड द बिटवीन मासेज बी एंड ए इज वन नाइनटी डिग्री भाई देखो ध्यान से बी एंड ए जो है ना एक सौ नब्बे डिग्री ठीक है ध्यान से बी एंड A एक सौ नब्बे डिग्री बोथ बींग मीजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ओके ठीक है बोथ बींग मीजर्ड एक सेम डायरेक्शन मतलब बी यहीं से ए को अगर मीजर करना है तो आपको इसी लाइन से जाना पड़ेगा कितना एक सौ नब्बे डिग्री कलर चेंज कर देते हैं मान लीजिए ए यहां आ गया वो तो मीजर सेम प्लेन मतलब इसी प्लेन से हमने मेजर किया ये 190 डिग्री अच्छा ठीक है अच्छा कौन सा एंगल छूट गया सर एक मास छूट गया मास कौन सा छूटा सर डी देखो डी बार बार छूट रहा है ध्यान से हमने मान लिया चल भाई तू डी यहां कोई दिक्कत नहीं मान लिया क्या दिक्कत हमने मान लिया ठीक है ना अब ये भी मत कहना कि सर सीधा है क्या लो भाई हटा देता हूं सीधा नहीं कहीं भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं कहीं भी है सीधा नहीं है हटा दो हमें इसका एंगल नहीं पता है हमें इसका लेंथ नहीं पता है क्वेश्चन में ठीक है भाई हमने ये लाइन पढ़ लिया ये लाइन पढ़ लिया ये लाइन पढ़ लिया अच्छा इस लाइन की क्या है खासियत ये पढ़ लिया तो फिर तो क्वेश्चन करना शुरू करना है भाई ये इससे हमें क्या बनाना है बेटा इससे बनाना है हमें टेबल ठीक है चलो हमारे सामने चार मास है ए बी सी डी जी सर चार मास है अब हम बात करते हैं बेटा इन चारों मास का हम चलते हैं चार्ट बनाते हैं हम जा रहे हैं चार्ट बनाने यहां चलेंगे इस पे बनाते हैं चार्ट हम जा रहे हैं चार्ट बनाने गाइस एक क्वेश्चन अगर सही से पढ़ लिया काम हो गया ठीक है ना एक क्वेश्चन बस सही से पढ़ना है ठीक है यहां हम क्या लिखेंगे बेटा सबसे पहला हम क्या लिखते हैं भैया प्लेन हमारा कौन कौन सा है ए बी सी डी क्लियर है बिल्कुल ध्यान से हम क्या कर रहे हैं बेटा हम काम कर रहे हैं इसको डिवाइड ही कर दे रहे हैं इसको डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ही ना ठीक है डी हमने क्या मान लिया प्लेन मान लिया जी सर अच्छा अब इसकी बात आ गई किसकी मास मास अच्छा जरा देखते हैं मास्क क्या दिया हुआ है अच्छा एक चीज देखिएगा जरा बिल्कुल पीछे चलना बेटा यस अब मैं एबीसीडी है बेटा अब ये बताओ आपको रेफरेंस प्लेन किसको मानना है ठीक है ना आपको रेफरेंस प्लेन किसको मानना है एबीसीडी में रेफरेंस प्लेन किसको मानना है चलिए सर मान लिया ए को रेफरेंस प्लेन सबसे कॉर्नर वाले कोई रेफरेंस प्लेन मान लिया ज्यादा अच्छा रहेगा ना ने यार नेगेटिव लेंथ लिखना नहीं पड़ेगा सारा का सारा पॉजिटिव लिखेंगे समझ में आई बात सारा का सारा पॉजिटिव लिखेंगे क्या दिक्कत है ठीक है तो हमने को लिया और को मान मान लिया लिया रेफरेंस प्लेन और ए इसलिए माना क्योंकि ए और डी हमें निकालना है अब एक को रेफरेंस प्लेन मान लिया तो हमारे सामने अननोन कम रहेंगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा ठीक है ना ए को मान लिया रेफरेंस प्लेन बी सी डी की बात होगी चलो बी का मास अठारह के जी सी का मास है साढ़े बारह के जी और नहीं दिया है ठीक है बी का मास अठारह और साढ़े बारह बी का मास अठारह के जी इसका दिया है साढ़े बारह के जी इसका मास नहीं दिया है इसका मास नहीं दिया यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है मास ए एंड मास डी निकालिए क्लियर है अच्छा याद रखेगा मैंने ए को क्या मान लिया बेटा ए ही हमारा क्या है बेटा रेफरेंस प्लेन है ठीक अच्छा। है अच्छा आइए जरा देखते हैं आगे अच्छा मास हमने लिख लिया अब हम क्या लिखेंगे बेटा रेडियल डिस्टेंस बोले तो इसेंट्रिसिटी ठीक है अपन क्या लिखेंगे यहां इसेंट्री सिटी बोले तो जो यहां दिया हुआ है इसेंट्री सिटी मतलब बोले तो रेडियल डिस्टेंस देखिएगा ध्यान से बी आर अठारह सी साढ़े बारह रेस्पेक्टिवली एंड ईच हैज एन इसेंट्री सिटी ऑफ साठ एम एम मतलब बी और सी का इसेंट्री सिटी साठ एम एम है ए एंड डी का इसेंट्री सिटी अस्सी है ठीक है यहां लिखेंगे इसेंट्री ना ए एंड डी का अस्सी एम एम है इसका कितना है जी साठ एमएम ठीक है भाई अब देखो ध्यान समझना बिल्कुल फोकस 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 प्लेन लिख लिया मास लिख लिया इस लिख लिया डन अब क्या करें सर बेटा अब कुछ नहीं करना अब आप आपको फोर्स या एक काम करो आप हां यहां फोर्स लिख लो पहले फिर लेंथ लिख लो फिर कपल लिख लो दैट्स इट कहानी खत्म तो सर फोर्स कैसे लिखें आओ जरा सर फोर्स कैसे लिखें बेटा देखो ध्यान से यहां यहां फोर्स यहां का सारा का सारा फोर्स किधर जाना है बाहर जा रहा है बोलो हाँ या ना बिल्कुल जा रहा है अच्छा अगर मैं डी का एंगल मान लू यहां से ऐसे कितना थीटा डी कोई दिक्कत नहीं सर अच्छा ये बताओ आ, बी का एंगल कितना होगा सर थीटा बी होगा जीरो डिग्री थीटा सी कितना होगा सर सौ डिग्री आ, थीटा ए कितना होगा सर एक सौ नब्बे डिग्री थीटा डी कितना होगा दिया ही नहीं है सर खत्म का अच्छा ये क्या होगा सर एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर होगा एम सी आर सी ओमेगा स्क्वायर ये होगा एम ए आर एमेगा स्क्वायर ये होगा एम डी आर डी ओमेगा स्क्वायर क्लियर बेटा ध्यान से देखना हमारे सामने ये चीज लिखा है जी सर एक काम करते हैं बेटा ये जाते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दो फोर्स तोड़ देते हैं हमने इनको क्या किया एक एक्स डायरेक्शन में काटा और वाई डायरेक्शन में ठीक है ना समझना मेरी बात को ध्यान से तो x डायरेक्शन में क्या होगा एम बी आर बी और मेगा स्क्वायर कॉस थीटाटा बी एम सी आर सी एम डी आर डी थीटा डी क्लियर है तो अपन क्या करेंगे x एक्सिस में सारे कॉस का कंपोनेंट और y एक्सिस में सारे साइन का कंपोनेंट तोड़ देंगे बोलो वहां या ना ठीक ना तो यहां अपन क्या करने वाले हैं मेरे हिसाब से मैं अपना जो दिमाग लहर लगाता हूं दिस इज एफ एक्स एक्स डायरेक्शन का डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर क्यों बेटा एफ एक्स लिख दिया डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ओमेगा मत लिखना ठीक है देखिए कैसे लिखें जो भी हो यहां देखना ऐसे लिखेंगे एम ए आर ओमेगा स्क्वायर थीटा है एम बी आरबी ओमेगा स्क्वायर थीटा बी एम सी आर सी ओमेगा स्क्वायर थीटा सी एम डी आर डी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा डी ठीक है अब तुमको क्या करना है यहां सारे वैल्यू रख के काम कर देना ये आर ए आरबी क्या है जी सर ये रेडियल डिस्टेंस ही है यही तो रेडियस है सेंट्रिसिटी ही रेडियस है अच्छा थोड़ा ध्यान से बेटा यहां मैंने एम mm में लिखा है चाहो तो, तो तुम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो ज्यादा बेटर रहेगा अस्सी एम क्या होता है बेटा जीरो पॉइंट जीरो एट साठ एम एम जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट जीरो एट क्लियर ओमेगा रहेगा ही नहीं ओमेगा तो हटा ही दीजिए क्या करना है बेटा ओमेगा तो डिवाइड ही कर देना है ना डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर तो हटा दीजिए आर ए थीटा थीटा है भी थीटा थी। ऐसे करके यहां आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे मेरे है आर ए ये रहा थीटा है। अच्छा थीटा ए थीटा का कॉलम बनाना चाहिए था ना मुझे थीटा ए लिख देता हूं मैं थीटा ए क्या है भाई एक सो नब्बे डिग्री है थीटा ए क्या है एक सौ नब्बे डिग्री है थीटा बी क्या है भाई जीरो डिग्री है थीटा सी क्या है भाई सौ डिग्री है एंड थीटा डी क्या है हमें पता ही नहीं ठीक है चल तो यहां जरा वैल्यू रखिए जरा मैं चाहता हूं यहां वैल्यू रखें एम ए आर ए कॉस थीटा ए क्लियर सभी लोग वैल्यू यहां रख लोगे एक बार रखना अपने हिसाब से अच्छा अब फिर मैं क्या करता हूं फिर अगला एक लाइन खींचता हूं और इस बार कहूंगा एफ वाई डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर तो इस बार सारे सिस्टम कैसे हो जाएंगे बेटा इस बार कॉस के थे अब हो जाएंगे साइन के ओमेगा स्क्वायर हटा दिया मैंने साइन थीटा एमबीआरबी साइन थीटा बी एमसीआरसी साइन थीटा सी एमडीआरडी साइन थीटा डी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो घबड़ाना नहीं ध्यान से अच्छा अब यहां क्या करेंगे एक सेकेंड ये लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे ठीक यहां क्या लिखेंगे सर यहां लिखेंगे लेंथ यहां लिखेंगे लेंथ अब देखिएगा ध्यान से लेंथ पे आ गए मान लीजिए आपको लेंथ दिख रहा है बेटा ठीक है ना लेंथ अपने हिसाब से यहां देखिए ध्यान से ए को रेफरेंस माना है तो ए का लेंथ क्या होगा जीरो जी सर बी का क्या होगा प्लस सौ सी का क्या होगा ए से ही लोगे. और सौ क्या होगा तीन सौ और डी का क्या होगा सर X. मैंने क्या मान लिया एक्स ए का होगा जीरो बी का होगा सौ सी का क्या होगा यहीं से लोगे दिस इज अफरेंस सौ और दो सौ कितना हो गया बेटा तीन सौ सी का होगा तीन सौ तो ए का जीरो बी का सौ सी का तीन सौ डी का एक्स ठीक है ए को रेफरेंस प्लेन माना है जीरो बी का हो गया सौ एम एम सौ एम एम का मतलब क्या हो गया बेटा अरे जीरो पॉइंट वन ये हो गया तीन सौ तो ये हो गया जीरो पॉइंट थ्री और डी का हो गया एक्स हमें तो पता ही नहीं है हमने तो एक्स माना था ठीक है क्लियर है नहीं बेटा कैसे कन्वेंशनल देखो टफ नहीं है क्वेश्चन को ना आप अगर टफ मान लोगे तो टफ बन जाता है होता नहीं ये है ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है क्या अगर मैं इसके अंदर वैल्यू रख के चालू हो जाऊं तो बहुत आसान है सीरियसली देखो ना थीटा थीटा भी तो जीरो डिग्री है ना यहां रखूंगा ये यह बचेगा यहां रखूंगा ये यह पूरा सिस्टम ही जीरो हो जाएगा देखने में बस लग रहा है नहीं अच्छा अब अपन यहां क्या करेंगे बेटा यहां दो इक्वेशन बनेगा ध्यान से देखिएगा दिस ध्यान यहां अपन दो और इक्वेशन बनाएंगे कैसे सर देखो दो इक्वेशन और क्या बनेंगे सर मूवमेंट के एक बनेगा मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाई स्क्वायर एक बनेगा मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई स्क्वायर कैसे लिखेंगे सर कुछ नहीं दिमाग लगाओ बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको यह मिल जाएगा ए आर ए कॉस्ट थीटा है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू जीरो तो यहां आ गया क्या जीरो एम बी आरबी कॉस्ट थीटा भी इंटू पॉइंट वन तो जरा बताना एम बी क्या है बेटा ए आर ए क्या है कॉस थीटा है नब्बे डिग्री जरा रखना बेटा कैलकुलेटर कहाँ जरा सारी वैल्यू रखना देखो एक चीज समझा देता हूं डायनामिक के लिए गेट में ना क्वेश्चन कैसे आता है एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है ज्यादा नहीं टफ आता है एकदम बेसिक आपको हो सकता है बेसिक एंगल पूछ ले हो सकता है आपको बेसिक कहे एक फोर्स का मैं वैल्यू निकाल के दिखा दो ठीक ना गेट में बेसिक क्वेश्चन ज्यादा भी टफ नहीं इतना बड़ा नहीं कि आपको पूरा चार्ट बनाना पड़ जाए या ऐसा नहीं कि आपको दो मास निकालना पड़ जाए ठीक है ना इतने टफ नहीं ऐसा टफ नहीं आपको दिया जाएगा बेसिक बेसिक एंगल यहां तो एंगल थोड़ा सा ज्यादा चेंज कर दिया है मैं तब भी इस क्वेश्चन को पूरा करूंगा डिग्री कॉस वन नाइनटी डिग्री दिस इंटू पॉइंट जीरो एट दीन्स यू कैन सी दिस इसका वैल्यू आएगा माइनस एम एक्स माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट एम ए टेंशन लेना ही नहीं है ठीक ना सेम टू तो सेम यहां कर दो साइन थीटा है साइन एक सौ नब्बे इंटू आर ए पॉइंट जीरो एट तो माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री एट एम ए ठीक है ऐसे ही एम बी आर बी थीटा भी देखो जीरो डिग्री है थीटा भी तो साइन जीरो क्या हो जाएगा सर ये जीरो हो जाएगा ये क्या आएगा जी सर एम बी आर बी अच्छा ये दिया तो है कॉस थीटा भी दिया है क्या थीटा भी जीरो डिग्री तो अट्ठारह इंटू पॉइंट जीरो सिक्स ये आ गया वन पॉइंट जीरो एट अच्छा एम सी आर सी थीटा सी अच्छा सौ डिग्री है ट्वेल्व पॉइंट फाइव कॉस सौ डिग्री है ना इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट जीरो सिक्स बेटा थोड़ा सा पेशेंस और क्वेश्चन अपने हाथ में ठीक है साइन थीटा सी साइन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कुछ नहीं करना है सब वैल्यू दिया हुआ है एम ए आर ए देखो सब ये मास लिखा हुआ है ये रेडियस है सब दिया हुआ है बस वैल्यू रखते जाइए बस वैल्यू रखते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ एक क्वेश्चन कर लेना तो डर हट जाएगा मैं गारंटी दे रहा हूं ठीक है साइन थीटा सी इंटू आर सी इंटू एम सी ट्वेंट पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट सेवन थ्री एट सिक्स ओके डन नाउ एम डी आर डी एम डी तो पता नहीं आर डी अच्छा थीटा डी भी नहीं पता तो सीधे लिख दो जीरो पॉइंट जीरो एट एम डी इंटू कॉस थीटा डी एंगल थोड़ी ना पता है हमें ठीक है तो यहां डायरेक्ट लिख दो जीरो पॉइंट जीरो एट एम डी साइन थीटा डी ए, हमें नहीं पता भाई हमें नहीं पता तो क्या करें ठीक है लिख दिया अब देखो जितने भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं। वो हमारे इक्वेशन है ठीक है ना वो हमारे रियल इक्वेशन है ध्यान ठीक है तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया हुआ बेटा मैं जानबूझ के ये ग्रीन अलग से लिखा है ताकि आपको ये सब चीजें अलग से दिखाई दे अब अपन ने क्या किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ किया तो क्या होगा भाई एफ एक्स बाई ओमेगा जो भी आया उसका लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करिए यहां लिख दीजिए वन पॉइंट जीरो एट इंटू पॉइंट वन जीरो दिस इंटू दिस माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो टू पॉइंट सेवन थ्री एट सिक्स X again. Point this into this minus point zero three nine o six. Okay. This into uh, this into this. That is zero point zero eight x. टू एम डी इंटू कॉस थीटा डी क्लियर तो हमारा आप देख पा रहे हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या आ गया ये अब देखते हैं दूसरा कलर उठाते हैं आ, पिंक उठा लें चलो पिंक उठा लेते हैं इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए आएगा ये एफ वाई का लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करिए एम वाई आएगा फोर्स इंटू लेट इज मूवमेंट देश इंटू जीरो आएगा आंसर क्या जीरो ओके क्यों भैया जीरो रेफरेंस प्लेन है देश इंटू देश जीरो इंटू ये क्या आएगा जीरो देश इंटू देश मल्टीप्लाई करो भाई पॉइंट सेवन थ्री एट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू एट एट फोर ठीक है ना अब देखो ध्यान से दिस इंटू दिस जीरो पॉइंट जीरो एट एक्स एम डी इंटू साइन थीटर डी अब देखो बेटा हमारे सामने चार इक्वेशन आ गए क्या चार इक्वेशन कौन कौन से आ गए मैं उनको लिखता हूं रेड कलर से बिल्कुल थोड़ा सा ब्लॉक बना दिया जाए ताकि आपको तो क्लियर हो ये चार इक्वेशन आ गए समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई समेशन एम समेशन एम वाई बोलो हाँ या ना ये चार इक्वेशन आ गए बोलो या ना। ठीक है ना अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर ये चार इक्वेशन आ गए तो हम पहले किस इक्वेशन को सॉल्व करें अच्छा चार इक्वेशन आ गए कितने अननोन है सर चार अननोन है ध्यान से चार इक्वेशन कितने अननोन सर चार अनोन अब आपको लग रहा होगा कि सर हम पहले किस इक्वेशन को सॉल्व करें है ना तो मैं आपको बता ही देता हूं अगले पेज पर चलते हैं हमारे सामने चार इक्वेशन है समेशन एम एक्स जीरो समेशन एम वाई जीरो समीशन एफ एक्स जीरो समेषन एफ वाई जीरो ये चार इक्वेशन है ध्यान से अपन पहले किसको करेंगे सर पहले इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे देन इसको करेंगे देन देन इसको then इसको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया अच्छा आप अगर पहले इसको करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है इसको करने जाओ कोई फायदा नहीं पहले इसको करोगे तो कुछ फायदा मिलेगा ध्यान से तो चार इक्वेशन को इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे तो पहले करेंगे समीशन एफ एक्स जीरो जी समीशन एम एक्स जीरो क्या भाई एम एक्स सर ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो पॉइंट वन ओ एट प्लस ही कर रहे हैं तो भाई माइनस प्लस माइनस ही होगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन ओ सिक्स थ्री नाइन ओ सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो, जीरो, जीरो एट एक्स एम डी थीटा डी इज इक्वल टू जीरो तो बेटा यहां से आपको कुछ चीजें दिखेंगी आ, कि आपको यहां से दिखेगा एक इक्वेशन जीरो पॉइंट जीरो एट एक्स पॉइंटी कॉस्ट थीटा डी क्या आया इसको इससे घटाइए जरा पॉइंट वन ओ एट माइनस पॉइंट जीरो थ्री नाइन ओ सिक्स ना ये पॉजिटिव का या या इस साइड जाएगा आ जाएगा नेगेटिव का एंड डिवाइड बाय पॉइंट जीरो एट ये नीचे चला जाएगा उसके जाएगा नेगेटिव सेवन फाइव ठीक है एक चीज हमें देखने को मिल गई क्या करने पर बेटा सिर्फ एक इक्वेशन एक लिखने पर देखना ध्यान से कितना अच्छा है हमने पहले ये सम कर दिया अब मैं इसको सम करूंगा ध्यान से प्लस समीशन एम वाई जीरो करने जा रहा हूं ठीक ना पीछे मत हट क्वेश्चन करना है तो पूरा करना है चाहे जो जीरो पॉइंट जीरो टू डबल एट फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू डबल एट फोर एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा ध्यान रखना एक्स एम डी साइन थीटा डी ठीक है, देश प्लस देश तो ये माइनस का साइड है जी सर तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का और इसको नीचे भेज देंगे डिवाइड करने के लिए उसके पॉइंट जीरो टू डबल एट फोर डिवाइड बाय पॉइंट जीरो एट पॉइंट थ्री सिक्स जीरो फाइव तो एक्स एम डी साइन थीटा डी इज इक्वल टू तो ठीक है एक क्वेश्चन आया MY से आया, बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब थोड़ा तो ध्यान से देखो आप लिए, दो इक्वेशन हो गया अब अपन क्या लेंगे क्या क्या आएगा तो कृपया करके इन चारों इक्वेशन को पूरा करना है सर एक्स में नहीं 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 बेटा मैंने एक्स को मीटर ही मान लिया क्या दिक्कत है मैंने एक्स को मीटर में ही मान लिया क्या दिक्कत है एक्स तो मेरे ऊपर है ना मैंने क्या मानना है मैंने इसको मीटर मीटर माना है तो मैंने भी इसको बोल दिया तू भी मीटर है डिवाइड क्यों करेंगे भाई बात समझ में आया तो एक्स को मैंने मीटर ही मान लिया है डन है ठीक है क्लियर चलो समेन एफ एक्स समेशन एफ वाई आप ये भी कर लो ये भी कर लो समेशन एफ एक्स कर लो बेटा देश प्लस देश प्लस देश प्लस देश देश प्लस देश प्लस देश प्लस देश डन अब देखो बेटा थोड़ा ध्यान से देखो यहां भी एम एम डी थीटा डी कितना कितना है अननोन देखो एमडी थीटा डी और एक और अननोन है क्या एक्स चार अननोन है मैं लिख देता हूं एम एम डी थीटा डी और एक अननोन है एक्स चार अननोन है जी सर तो कितने इक्वेशन चार इक्वेशन चार अननोन चार इक्वेशन बड़े आसानी से सॉल्व कर जाओगे मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छा अब तुम सोच लोगे यार कैसे सॉल्व करें? अरे यार लो तुम्हें एक अननोन तो अभी चुटकी बजाते ही आंसर दे दूंगा कैसे सर बेटा अगर हम बोलूं दिस इज द इक्वेशन टू एंड दिस इज द इक्वेशन वन जी सर इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन वन कर दो देखो अभी आंसर हाथ में दिस अपॉन दिस कर दो लो इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन डिवाइड क्या भाई एम एक्स एम डी साइन थीटा डी डिवाइड बाय एक्स एम डी कॉस थीटा डी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स ओ फाइव देखो माइनस जीरो पॉइंट पॉइंट एट एट सिक्स सिक्स माइनस जीरो वन सेवन फाइव तो इन दोनों को डिवाइड करोगे माइनस में ही आएगा बेटा देखो फोकस 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 कट गया टेन थीटा डी बराबर कैलकुलेटर कहाँ गए पॉइंट एट एट सिक्स वन सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट फोर वन एट थ्री थीटा डी आया है बेटा माइनस बाईस दशमलव सात जीरो डिग्री ठीक है और ये कहां से आया माइनस बाईस थीटा जी जो आया है बेटा माइनस दिस कितना आया थीटा डी माइनस बाईस दशमलव सात जीरो ओके सी बाईस दशमलव सात जीरो बिल्कुल अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में है सर साइन का क्वाड्रेंट साइन क्या होता है बेटा वाई एक्सेस कॉस क्या होता है एक्स एक्सिस एक्स है ये वाई है वाई पॉजिटिव नेगेटिव हम्म hmm. बिल्कुल और इसका नेगेटिव साइन है बिल्कुल बच्चा लोग ध्यान से देखना तो आप यहां से पकड़ सकते हो दिस इज द पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव आराम से आराम से कर सकते हो थीटा का

तो तुम ये और ये सॉल्व कर लो दो इक्वेशन अपने आप एमएमडी निकल जाएगा एमए और एमडी निकला फटाक से एमडी किसी एक में रखना और एक्स निकाल देना कहानी खत्म हो जाएगा बताओ हाँ या ना। हो जाएगा देखो एक क्वेश्चन ने सबकी जड़ हिला के रख दी कुछ नहीं करना है बेटा फिर से मैं बता रहा हूं पहले प्लेन लिख लो मास लिख लो एक को रेफरेंस मान लो फिर रेडियस लिख लो मैं तो इसको और आसान बनाने के लिए कहता हूं थीटा भी यही लिख लो जो मैंने नीचे लिखा है ना इसी सीरियल में लिख लो फिर समफ एक्स लिख लो एफ वाई लिख लो लेंथ लिख लो एम एक्स लिख लो एम वाई लिख लो कहानी खत्म चार इक्वेशन मिलेगा एक दो तीन चार इनको इस सीरीज में सॉल्व करो पहले ये देन ये देन ये धन ये अपने मन से मत करना मैं जो बता रहा हूं वो गारंटी सही है अजमाया हुआ है कि पहले इसको सॉल्व करना देन इसको देन इसको अपने आप आंसर पाते जाओगे नहीं तो फंसे रहोगे बता चले समेसन एफ एक्स सोल्व कर लिया भाई कुछ आ ही नहीं रहा निकल ही नहीं रहा ठीक है ना तो पहले इसको देन 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 इसको देने, इसको देने, इसको अपने आप निकलता जाएगा देखो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो अपने आप एक एंगल निकल गया ना एक चीज निकल गया ना तो ऐसे कर कर के हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी ठीक है ना इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर जल्दी बताओ इतनी बात क्लियर है एक बार बताओ कुछ नहीं यार क्वेश्चन में सीरियसली बहुत आसान आसान क्वेश्चन है सीरियसली एक कन्वेंशनल क्वेश्चन तुम्हारा सब कुछ करके रख देगा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन तुम्हें सब सिखा देगा ठीक है इनका सम ए प्लस ए प्लस कर दू क्या कि कर लोगे मैं कर दू कि कर लोगे जो बच्चे ये सोच रहे ना यार ये और कितना टफ है किस में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा सीरियसली कुछ नहीं है आपको अगर ये जानते हो अगर आप सिर्फ सिंपल एक चीज जानते हो अगर आप सिंपल एक चीज जानते हो कि अगर ये फोर्स पी है और ये थीटा है तो इसको पी थीटा कहते हैं और इसको पी साइन थीटा कहते हैं जिसके साथ थीटा गिरे कॉस का ये गिरे साइन का तो आप दुनिया का सब कुछ जानते हो बैलेंसिंग तो आप आराम से कर लो ठीक है ना ये कौन नहीं जानता क्वेश्चन है ही क्या फोर्स वही तो किए हो आपने फोर्स में किया ही क्या एक्स पे कॉस वाई पे साइन फिर उसके बाद मूवमेंट लेने के लिए लेंथ का मल्टीप्लाई करते क्वेश्चन में दैट्स इट सबको जोड़ दिया जोड़ने के बाद बस बोला है एक दो तीन चार क्वेश्चन ला के सामने रख दो अपने आप आंसर दिखाई देगा देखो इससे इसको डिवाइड किया इससे इसको देखो आ गया आंसर क्वेश्चन टफ थोड़ी रहे स्टेप आपको समझना है और दिमाग को शांत करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है ओके नहीं इसको पॉजिटिव में रख लो और क्या पॉजिटिव में रख लो कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव रख लो ठीक है चलो ठीक है ठीक है तो इसको आप पॉजिटिव में रख लो क्लियर है बेटा तो चलें क्लियर है चलो तो बेटा यहां जो है ना सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था आज का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपको पूछा मैग्नीट्यूड एम ए मास ए मास डी आराम से निकल जाएगा डिस्टेंस ए एंड डी के बीच का बोले तो एक्स ए से डी के बीच का डिस्टेंस बोले तो एक्स मांग रहा है आपसे आपसे क्या मांग रहा है एक्स इस क्वेश्चन में आपसे एक्स मांग रहा है इसमें मांग रहा है एम एंड एम फिर फिर एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा डी पूछ रहा है आपसे यही चार चीज तो पूछ रहा है यही चार चीज आप वहां निकाल रहे हो क्लियर ठीक है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको देख के अंदाजा लग गया होगा तो आई थिंक आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लोगे ये सब तो स्टैटिक बैलेंसिंग यार इसमें तो कुछ है ही नहीं सीरियसली नहीं है सीरियसली नहीं है स्टैटिक बैलेंसिंग में कुछ है ही नहीं मेन पंगा जो था ना वो मैंने कर दिया आपके लिए ठीक है ना मतलब आप सोच लो कि इन तीन क्वेश्चन को करता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो चौथे क्वेश्चन को मैंने कर दिया आपके लिए ठीक है ना तो ये सब चीज तो आप आराम से उड़ा दोगे मैं गारंटी दे रहा हूं आप कर लो अगर फिर भी ना हो तो एक बार मेरे को बता देना टेलीग्राम चैनल पे और लिंक सेट होम वाली क्लास होगा आज हाँ जी बिल्कुल होगा आज बिल्कुल होगा दिन में बारह बजे हमारी मुलाकात होगी दोबारा बेटा ठीक है दोबारा मुलाकात होगी दिन में बारह बजे आज ट्वेल्व पीएम पे आज टोम की क्लास होगी ठीक है ना टोम प्रैक्टिस जिसके अंदर आज हम करेंगे गियर एंड गियर ट्रेन बिल्कुल करेंगे बेटा गियर एंड गियर ट्रेन पूरा करेंगे इसके अंदर टेंशन मतलब गियर और गियर ट्रेन का बहुत क्वेश्चन है आपका पूरा गियर और गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज बारह बजे दिन में ठीक है इसके साथ जुड़े रहो इसके आंसर मैं लिख दूंगा टेंशन लो तुम लोग हर पीडीएफ में मेरे क्वेश्चन के नीचे आंसर दिखता होगा या अगले पेज पे आंसर जरूर दिखाता हूं मैं आंसर भेज देता हूं मैं देख लिया करो ठीक है टेंशन नहीं लेने का मैं सब भेज दूंगा टेंशन मत लो मैं सारा क्वेश्चन का आंसर लिख कर भेजूंगा ओके चलो तो बच्चा लोग दिन में बारह बजे दोबारा मुलाकात होगी ध्यान से और अगर आप गेट और एसी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहां जुड़ सकते हैं बारह महीने अठारह महीने और चौबीस महीने के साथ मेरे बच्चों कोड लगाना है आलोक लाइफ आलोक लाइफ कोड लगाकर आप हमारे साथ जुड़िए मोस्ट पॉपुलर प्लान बारह महीने का आप इसके साथ जुड़िए ठीक है ना अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ठीक है तो आप चौबीस महीने का प्लान ले सकते हैं अदरवाइज बारह महीना काफी आपके लिए ना आइकॉनिक अगर आप लेना चाहते हैं तो बारह महीना चौबीस महीने से कोई भी एक ले लीजिए कोड लगाना है आलोक लाइफ ठीक है ध्यान से कोड लगाना है आलोक लाइफ ओके एंड दिस इज आवर कॉम्बैट टेस्ट कैन सी दिस और गाइज इस फ्राइडे यानी कि कल कल सुबह क्लास नहीं रखा है मैंने कल दिन में क्लास मैंने रखा है तो कि आप लोग में जरूर ना फ्राइडे कल दिन में एक बजे हम सौ मैकेनिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा और मैं आप लोग बता दू ये क्वेश्चन कैसे होंगे ये क्वेश्चन जैसे आपने स्टेटिक बैलेंसिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन देखे ना सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन होंगे टेंशन मत लो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेकर आऊंगा मैं आपके लिए सौ कन्वेंशनल क्वेश्चन लेकर आऊंगा कुछ ही कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे 50 -60 या तो आप ऐसे कुछ होंगे तो इस को ध्यान से और, आलोक लाएव, आलोक लाएव और हमारे साथ यहाँ जुड़ जाइए माई टेलीग्राम चैनल मेरा कोड है आलोक लाइव मेरा पासवर्ड है सब कुछ क्या है बेटा एक है That is what? That is Life. और बस इतना ध्यान रखिएगा जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है तो आलोक लाइफ के साथ जुड़ना है।, है याद रखना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करिए हूं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप लिंक ट्री डॉट स्लैश आलोक झा या डॉट लगाना मत भूलिएगा ठीक है ना इस पे जाकर आप सारे लिंक देख सकते हैं सब कुछ मिलेगा यहाँ ठीक है ना या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं आलोक झा पे ठीक है और अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि क्या हुआ थीटा डी पोजीशन हाँ बिल्कुल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना और कोशिश यही करिएगा कि जीवन भर आगे बढ़ते रहिए हमेशा खुश रहिए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फ्री एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए लोगों को बताइए फ्री एजुकेशन मिल रहा है उनको शेयर करिए और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे दोस्तों के साथ जितने भी लोग हैं सबके साथ उतना ज्यादा अच्छा होगा सबका फायदा होगा और 20 तारीख से यानी कि टेंटेटिव डेट मैंने दे दिया अभी तक 20 तारीख वाइब्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं तो वाइब्रेशन की दुनिया में एकदम बवाल मचाने वापस आ रहा हूं मैं वाइब्रेशन जिस तरीके से फैला था वाइब्रेशन का तहल का फरवरी के महीने में उस तरीके से वापस दोबारा आने वाला हूँ ठीक है ना तो चलिए देखते हैं मिलते हैं अपने अगले सेशन में दिन में बारह बजे आना नहीं भूलना ठीक ना गियर एंड गियर ट्रेन में आप सभी का इंतजार करूंगा मैं ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन इसी तरीके से हमेशा खुश रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए ठीक है, है और एक शिक्षित एक पढ़े लिखे इंसान की तरह व्यवहार करते रहिए हमेशा खुश रहिए चलिए टिल देन इंजॉय बबा तब तक सभी को जय हिंद जय भारत